ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो कोरोना वायरस को डील करने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और JNK दोनों ने जो हमें दिए हैं उसके हिसाब से कंट्रोल रूम यहाँ पे खोला गया है 24/7, जिसमें कुछ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ भी हैं। ये दो कंट्रोल रूम नंबर है, टोल फ्री नंबर है, जिसपे अगर किसी को फॉरन ट्रैवल की हिस्ट्री है या फिर सिम्टम्स हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल रूम में हमें आसानी से पहुँच पाएगी। उसी के साथ साथ हमने जो हमारे जो एंट्री पॉइंट्स है डिस्ट्रिक्ट के जट्ठी में और खलीनी में, वहाँ पे भी हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ रखा हुआ है। वहाँ पे लोगों को जनरल पूछताछ से हमें पता चला, जैसे कल भी हमें पता चला कि 6 लोगों को जो है वो फॉरेन ट्रेवल की हिस्ट्री थी, ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन और उनको आगे हमें ट्रैक करने के लिए आसानी हो जाए। उसी के साथ साथ हमने ज़िले भर में तकरीबन 250+ सर्विलेंस टीमें बनाई हैं। हर सर्विलेंस टीम में 3 मेंबर्स हैं, जिसमें एक मेडिकल डिपार्टमेंट का है और बाकी जो है वो बाकी डिपार्टमेंट्स के हैं। वो सर्विलेंस टीम हर सब सेंटर लेवल पे और NTPHC लेवल पे बनी हुई है। मान लीजिए कि अगर किसी गांव में अगर ऐसी कोई व्यक्ति पाया भी जाता है जिसको फॉरन ट्रैवल की हिस्ट्री है, जिसको काउंसिलिंग की ज़रूरत है या फिर उसको विजिट करके पूछने की ज़रूरत है कि सिम्टम्स हैं, ये सर्विलेंस टीम जो है रिपीटेटिवली ये चीज़ें जो है दिन में 2 बार करने वाली है। आपकी मदद एडमिनिस्ट्रेशन को, प्लीज़ गौर से सुनिए, इस चीज़ के लिए चाहिए कि अगर आपके आसपास के इलाकों में, आपकी पंचायत में, आपके वार्ड में, आपके घर के आसपास, आपकी रिश्तेदारी में या फिर पास की पंचायत में कोई भी ऐसा इंसान जो फरवरी के बाद फॉरेन ट्रेवल करके आया है, फॉरेन रिटर्न है, उसकी जानकारी आप हेल्थ डिपार्टमेंट को या तो आप हेल्पलाइन पे दें या फिर आपके पास जो सर्विलेंस टीम बनी हुई है उनको। हमने पूरे जिले में 250 टीमें बना के रखी हुई है, 250 × 3। हर टीम में 3 मेंबर्स हैं, एक हेल्थ डिपार्टमेंट का है, 2 बाकी डिपार्टमेंट्स के हैं, जैसे टीचर होगा कोई या फिर कोई VLW होगा एनीबडी। वो सर्विलेंस टीम की कॉपी भी आपको आपके ग्रुप के थ्रू रोड डेवलपमेंट ग्रुप में आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये कंट्रोल रूम जो है ये कोरोना वायरस के बारे में रखा गया है और ये DC ऑफिस डोडा में इस वक्त बिल्कुल फंक्शनल है और 24/7 है और इसमें 4 बंदे हमेशा 24/7 काम करते हैं और हम जो हमने अपनी कोरोना वायरस के मुतालिक टीमें डिप्यूट की हुई हैं हर गांव में, हर कस्बे में, तो उनके लिए हम यहां से रिस्पॉन्ड करते हैं। इस हाथ पे रख के जो है इसी तरह इसको जो है रैप करना है, अच्छे से करना है। और तीसरा जो हमारा है, इन दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर देना है, बांध कर देना है और जो है अच्छे से जो है इसको रब करना है, ताकि जो डॉर्सल एरिया जो है अगर इसमें कहीं भी कोई, मुझे लगता है हमें जो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटर थे जिन्होंने हमें डिमॉन्स्ट्रेशन दे दी, बहुत अच्छी डिमॉन्स्ट्रेशन दे दी, हमें काफ़ी मदद मिली इसको आगे तक। बोले हो सकता है जमीन लेवल पर किसी ऐसा भी आदमी हो तो जाहिल हो या अनपढ़ हो, वो ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन करता है, अगर हमारे पास जवाब ना होगा तो हम उसको क्या जवाब दें। लिहाजा हमें जो यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन मिली तो उस डेमोन्स्ट्रेशन से हमें काफ़ी हेल्प हुई। कहाँ पे आप जाएंगे? देखिए हम एक तो हमें अपनी पंचायत ठाठरी ब्लैक में जहाँ पर भी हमें बुलाया जाएगा या इसके अलावा भी तो स्कूल्स में कहीं पंचायत घर में, उसके अलावा जो भी है जहाँ पर भी हमें ज़रूरत लगेगी, इंडिविजुअल के घर में भी जाएंगे, उनको भी समझाएंगे कि भाई ये बीमारी जो है इसे आज़ाद कोशिश की जाए इसे दूर रहने की। Hi everyone, I'm Sujarita Kukreti. Thanks for checking out Republic World. If you would like to watch more show highlights and live coverage, click on the right over here to subscribe to our channel and don't forget to download the Republic World News app for breaking news alerts. Thanks for watching.